देखिए, आज हम लोग लूप का यूज करेंगे खाना बनाने में। यहाँ रोटी चढ़ा दिए, अब इस गोलक को बेलेंगे। इसको यहाँ देने से पहले एक बार इसको पलटा देंगे, फिर इसको अब बेलेंगे। इसमें जब दोबारा बर्तन डालेंगे, फिर इसको एक बार इधर घुमाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर इस रोटी को पूरा बनाते बनाते एक बार और घुमा देना इसको, फिर तब तक एक गुल्लक बना लेंगे। इसको डाल दिए, अब इधर रोटी हो गया तैयार, तो पलटा दीजिए। फिर इसमें प्रेशर डालिए, रोटी हो गया आपका तैयार। अब फिर वही लूप को फिर से दोहराइए, कब तक? जब तक कि आटा खत्म ना हो जाए। फिर से बेलवा लीजिए, गुल्लक को इसे बेलिए। पहले बर्तन डालते ही इसको पलटाइए। ये तो फॉर लूप हुआ ना, हाँ, चलते रहेगा, इसमें फिक्स भी है कब खत्म होना। खत्म होगा जब ये आटा खत्म हो जाएगा। गुल्लक बना लीजिए, 10 गो बना है तो फिर 10 बार चलेगा ये। फिर इसको घुमा देना है। फिर जब तक ये रोटी बन के इधर हो जाएगा तैयार, फिर इसको पलटा देना है, फिर दूसरा चढ़ाइए। रोटी हो गया तैयार, दूसरा लूप भी खत्म हुआ, अब ये तीसरा लूप चलेगा। ठीक इसी तरह फिर से गुल्लक बनाना है, बाकी करते रहिएगा, बंद कीजिए।